जय हिंद दोस्तों। हाँ मैं संतोष यादव। रोटी और चावल में कौन बेहतर है, आपको क्या खाना चाहिए, इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए रोटी खाएं कि चावल खाएं, कब कैसे कितना रोटी खाएं, कब कैसे कितना चावल खाएं, ताकि अपना फिटनेस गोल जो है आसानी से अचीव कर सके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। फिर आ गए। देखो भैया, रोटी कई प्रकार की चीजों की बनती है, लेकिन गेहूं के आटे की रोटी लोग ज्यादा खाते हैं और सफेद का चावल ज्यादा खाते हैं। पहले बात करते हैं चावल में। चावल में पाया क्या जाता है पहले यही जान लेते हैं। चावल में भैया और भी चीजें जो होती है ना के बराबर पाई जाती है। इसमें सिर्फ भर भर के हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कुछ भी नहीं पाया जाता। साथ में रोटी के बारे में बात कर लेते हैं। रोटियम जो होता है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑर्डर नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ साथ क्या पाया जाता पता है, फाइबर पाया जाता है, फैट पाया जाता है और भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, पोटेशियम एंड विटामिन्स पाया जाता है। तो इसके हिसाब से तो आप कहेंगे भैया रोटी ज्यादा बेहतर है, चावल खराब है। नहीं मेरे भाई, किस केस में आपको रोटी खानी चाहिए, किस केस में आपको चावल खाना चाहिए, कब रोटी काम करेगी, कब चावल काम करेगी, आइए बात ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एकदम प्रैक्टिकल। अगर हम वेट गेन करें, गेनिंग करें, तो हमें रोटी खाना चाहिए कि चावल खाना चाहिए। जब भी हम गेनिंग करें, हमें ज्यादा ज्यादा कैलोरी चाहिए और ऐसी कैलोरी चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ताकि हम ज्यादा ज्यादा कैलोरी ले सके और हमारा वजन बढ़ सके। तो इस केस में रोटी के स्थान पर आप चावल का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि चावल होता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और आसानी से बच जाता है। तो सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ चावल खाना सही है नहीं मेरे भाई, उसके साथ आप अच्छी दाल का प्रयोग करो, अच्छी सब्जी का प्रयोग करो जिसमें फाइबर, विटामिंस एंड मिनरल्स हो, ताकि व्हाइट राइस या जो है चावलवा और ये सब्जी या दलिया मिलके एक अच्छा मील तैयार हो सके और आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। तो क्या भैया रोटी ना खाएं? नहीं मेरे भाई, रोटी आप खा सकते हो, लेकिन ज्यादा रोटी मत खाना, क्योंकि रोटियां जो होता है हमें फुल रखता है और स्लो डाइजेस्टिव होता है। तो आप सुबह एक से दो रोटी का प्रयोग कर सकते हो, ताकि हमें होल ग्रेन मिल सके और ये भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। दूसरा कैसे मेरे भैया, अगर आप कहीं से आए हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, या आप कहीं जा रहे हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, जैसे हम क्या है एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, वर्कआउट करके आ रहे हैं, या कहीं से थके माने आ रहे हैं, या हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वर्कआउट करने जा रहे हैं, इस केस में हमें क्या जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसमें क्या हेल्प करेगा आपका, व्हाइट राइस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जल्दी से आपका पच जाएगा और भर भर के एनर्जी देगा। कुछ टाइम के लिए तो आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि आप कोई भी चीज जाओगे ना, कल के बहा दोगे। तो अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट करने जा रहे हो या कुछ मेहनत वाला काम करने जा रहे हो, उससे 40 मिनट पहले आप व्हाइट राइस खाओ, दही वही के साथ, सब्जी वब्जी के साथ खाएंगे जाओगे ना, जबरदस्त एनर्जी देगा और वर्कआउट आप तगड़ा तरीके से कर लोगे। कहीं थके माने आ रहे हो, तुरंत आपको कैलोरी चाहिए, तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, कम टाइम में आपको एनर्जी चाहिए, तो इस केस में आप सब्जी के साथ, दाल के साथ चावल खाओगे ना, तो जबरदस्त एनर्जी दे देगा। जो एनर्जी तुम वेस्ट किए हो वो आपको जल्दी टाइम में मिल जाएगा। तीसरा चीज भैया, वजन कम करें, फैट लॉस करें, तो भैया हम का खाएं, रोटी खाएं कि चावल खाएं? वजन अगर आप कम करें, फैट कम करें, तो आपको ऐसी भी कैलोरीज कम लेनी चाहिए, लेकिन रोटी और चावल में भर भर कैलोरी है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें खानी है जो जल्दी से भूख ना लगे, जल्दी से पच ना जाए। अगर आप जल्दी से भूख लग जाएगी, जल्दी से पच जाएगी, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आप खा ही लेंगे। तो इस केस में आप चावल को अवॉइड करें, लेकिन रोटी भी आप ज्यादा ज्यादा ना डाल देना, क्योंकि रोटी में भी कैलोरीज भैया हूल के होती हैं। तो फैट लॉस में अगर आप रोटी खाओगे ना, तो ये क्या होगा, जल्दी से पचेगा नहीं, थोड़ा स्लो डाइजेस्टिव होगा, आपके पेट को भरा भरा रखेगा। जब आपके पेट को भरा रखेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप भूल के खाएंगे नहीं। जब भी आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो फैट लॉस में, तो कम से कम रोटी लो और कम से कम चावल लो। उसके साथ साथ क्या कह रहे हो भैया, हम रोटी भी कम ले रहे हैं, चावल भी कम ले रहे हैं, तब भी साला हमको भूख लग जा रहा है, क्योंकि हमारा पेटवा खाली है, पेटवा ही नहीं भरा है। तो इस केस में क्या करो, जब भी आप रोटी खा रहे हो ना, उसके साथ भर के सलाद ले लो। उसके साथ जब सलाद खाओगे ना, तो सलादवा वो भूखिया पूरी कर देगा, और सलाद में होता है कम कैलोरीज और सलाद में होता है भर भर के फाइबर, जो कि आपका जो डाइजेशन है उसे सही करने में और खनवा पचाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप फैट लॉस करो, चावल का कम से कम प्रयोग करो, प्रयोग करो तो रोटी का प्रयोग करो, और रोटी भी हूल के मत प्रयोग करो, क्योंकि रोटी में भी साली बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। 4 से 5 रोटी अगर आप खा रहे हो दिन भर में, उसके साथ सलाद भी खूब हूल के लो। रोटी के साथ या चावल के साथ सलादवा जो होता है, ये भी हमें फूल रखने में, भूख को कंट्रोल रखने में और हमारे डाइजेशन को सही रखने में हेल्प करता है। हमारे भाई, हमने वेट गेन के बारे में बात की, फैट लॉस के बारे में बात की, हम लोग बात करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए हम रोटी खाएं कि चावल खाएं। मसल बिल्डिंग स्लो प्रोसेस होता है, ये तुरंत ऐसे झटका नहीं बन जाता, 2 महीने में मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ये स्लो प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, क्योंकि हमें कार भी चाहिए, सिंपल कार भी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार भी चाहिए। लेकिन सिर्फ रोटी चावल से थोड़ी होगा, इसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी चाहिए, और इसमें चावलवा में रोटियां सारा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीजें ऐड करो, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको कब रोटी खानी चाहिए, कब चावल खाना चाहिए, ये हमने बता दिया। कितना रोटी खाना चाहिए, कितना चावल खाना चाहिए, ये भैया डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल पे, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे, ये डिपेंड करता है आपके एज पे, ये डिपेंड करता है आपके डाइजेशन प्रोसेस। आपका कंफ्यूजन दूर करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।